हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एडवेंचर बोले पे। तो आज हम आए हैं ऋषिकेश और आज हम जा रहे हैं नीलकंठ महादेव। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और स्टार्ट करते हैं आज का अपना ब्लॉग हर हर महादेव। और ये मेरे पीछे गंगा मैया, जय हो गंगा मैया की। तो ये आपका नीलकंठ महादेव जाने का रास्ता, जैसा कि आप सब ने देखा होगा ये रूट है पूरा। अभी सुबह सुबह अंकल मिले हैं, अंकल से हमने पॉपकॉर्न ले लिए। पैदल चढ़ाई तो राइट हैंड साइड से थी। यहाँ से अंकल गाड़ी मिलती है ना ऊपर जाने के लिए नीलकंठ? और कितने किलोमीटर की यात्रा है? 12 किलोमीटर। तो पॉपकॉर्न ले लिए, ठीक है, तो चलते हैं आगे हर हर महादेव। ये रोड है आपका, थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा आपको अगर आप नीलकंठ महादेव जाते हैं गाड़ी से, क्योंकि पैदल का ट्रैक तो 12 किलोमीटर है। तो हमने सोचा चलो गाड़ी से ही कर लें। और ये आपका आम का बगीचा है, अगर किसी को आम खाने हो तो यहाँ से खा सकता है, बट अपने रिस्क पे। वो भाई बैठा अंदर, तो ये ध्यान रखिएगा। ये आपका टैक्सी स्टैंड है नीलकंठ महादेव जाने के लिए, ये आप देख सकते हैं। अगर एक जने का जो किराया है वो 200 रुपये है आना जाना, और सिंगल जाना है तो 120 रुपये। तो ये यहाँ से आप टैक्सी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हमने गाड़ी कर ली है क्योंकि बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, इसलिए चलिए चलते हैं ऊपर। और चार्ज तो मैंने आपको बता ही दिया है। हमारी गाड़ी थी और हम पहुंच चुके हैं नीलकंठ महादेव बाबा के दरबार में, और यहां से हम प्रवेश करते हुए अंदर। ये आपकी दुकान है, यहाँ से आप कुछ खा पी सकते हैं, और कुछ अगर आपको लेना है तो आप ले सकते हैं सामान। वैसे तो सारा हरिद्वार मिलता है, बट अगर आप यहाँ से लेना चाहते हैं तो यहाँ से भी ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। और बाकी ये गन्ने का जूस ठंडा ठंडा पीजिए। अगर आप पैदल आते हैं तो बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, गाड़ी से आएंगे तो भी ठीक है। और देखिए मंदिर आने वाला है, ये देखिए ओरिजिनल रुद्राक्ष, ये मेरे हाथ में मैंने ले लिया है। और ये आप देख सकते हैं दाने, और ये इसका फल, इसको छीलने के बाद ये ऐसा हो जाता है रुद्राक्ष। आप देख सकते हैं सब ओरिजिनल है, कोई सा भी ले लीजिए। ये भैया हैं, ये ब्रह्म कमल का फूल है, आप देख सकते हैं कितना अद्भुत लग रहा है। और ये भैया हैं, ये बेचते नहीं हैं, इन्होंने रखा हुआ है सिर्फ। तो आप आएँ तो ये मंदिर के पास है एकदम, तो भैया की शॉप ये रही, देख लीजिएगा। हर हर महादेव भैया। ये बाबा नीलकंठ महादेव जी का द्वार जाने के लिए, और यहाँ से भी है रास्ता जाने का। तो फ्रेंड्स, ये यहाँ पे आप नहा सकते हैं बाबा के दर्शन करने से पहले। पाइप से पानी आ रहा है, अब झरना तो रहा नहीं पर पाइप से तो आ ही रहा है पानी बढ़िया। और ये बाबा का मंदिर यहाँ से देख सकते हैं अंदर, क्या पता अलाउ ना हो फ़ोन। और ये लाइन लगी हुई है क्योंकि मंदिर अभी बंद है थोड़ा सा, पट बंद है, जैसे ही खुलेगा तो ये लाइन जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगी। तो अभी जब तक चलिए हम भी थोड़ा स्नान कर लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, नहा लिए, चलते हैं बाबा के दर्शन करने हर हर महादेव। ये मंदिर में अंदर जाते हुए, और भीड़ नहीं है, अच्छी बात है, बहुत टाइम लग जाता है। सावन में आप आएंगे तो बहुत भीड़ मिलेगी आपको। ये आपका मंदिर के अंदर, अच्छा फोटो लेना मना है, ये पढ़ लीजिएगा उसी का खींच रहे हो। तो फ्रेंड्स, मंदिर में कैमरा अलाउ नहीं है, बट आप देख लीजिए मंदिर के अंदर का व्यू जल्दी से। हर हर महादेव, भोलेनाथ का तो नहीं दिखा पाऊँगा, सकते हैं यहाँ से व्यू इधर का, ये बाबा का वो दरबार। तो मंदिर का एग्जिट द्वार, पुलिस वाला बैठा हुआ है, देख सकते हैं पीछे। दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए, पंडित जी के पैर छुए, पंडित जी प्रसन्न, पंडित जी ने बढ़िया दर्शन करा दिए, पर वीडियो अलाउ नहीं था। एक बार आप व्यू देख लीजिए नीलकंठ बाबा के बाहर का, काफ़ी अच्छा बना रखा है मंदिर और काफ़ी सुंदर है, आप देख सकते हैं। यहाँ सारी की सारी दुकानें हैं, और ये आपका ऊपर पुलिस चौकी, भीड़ कम है। तो ये आपका सिर्फ समाधि स्थल है, भीड़ काफ़ी है, देख सकते हैं। अंदर का ये है, अंदर समाधि स्थल हर हर महादेव।
तो फ्रेंड्स दर्शन तो बहुत अच्छे हो गए। तो आपका मेरा ब्लॉग आपको कैसा लगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करके कन्फर्म कीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जब तक के लिए हर हर महादेव।